होली के मौके पर दी आर्ट ऑफ लिविंग के बैनर तले एक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय गायक प्रवीण मेहता ने उनके साथी कलाकारों के साथ सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी। प्रवीण मेहता आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के ध्यान प्रशिक्षक के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक है। इनके कार्यक्रम देश और विदेशों में काफी लोकप्रिय है। कार्यक्रम का आयोजन होली के मौके पर सीए परिवार द्वारा किया गया था। सतरंगी के नाम से सीए ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय गायक प्रवीण मेहता और उनके साथ ही कलाकारों के साथ सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। प्रवीण मेहता आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के ध्यान प्रशिक्षक के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गायक भी है। आज का जो कार्यक्रम रखा गया भजन संध्या, ये होली के रंग के नाम से रखा गया है। ये आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के जो श्री प्रवीण मेहता जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन गायक हैं, आज वो इस भजन संध्या का में भजन की अपनी प्रस्तुतियां यहाँ पे रंगारंग दे रहे हैं ICAI ऑडिटोरियम में। और इस कार्यक्रम का मुख्य भजनों के साथ में एक बीड़ा उठाया है आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको योग प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से 101,000 बच्चों का एक कार्यक्रम पूरे साल भर में आयोजित करने जा रहा है, जो सीए परिवार और आर्ट ऑफ लिविंग संस्था मिलकर कर रही है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता और संस्थापक आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी इस महीने मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। वे 24 से 26 मार्च तक प्रदेश में रहेंगे। इस दौरान वे इंदौर भी आएंगे। वहीं आयोजन को लेकर भी तैयारियां अब शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज, इंदौर।